हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप जनाधार की फैमिली इनकम अपडेट कर सकते हैं। ये अभी जनाधार में न्यू ऑप्शन आया, पहले KYC का आया था, वापस से एक दो दिन बाद ही वापस से फैमिली इनकम अपडेट का ऑप्शन भी आ गया है। तो कैसे आप वो करोगे, तो सबसे पहले आपको हिम्मत में इंटरनेट टाइप सर्विस में चले जाना है, फिर आपको जनाधार सर्च करना है। जनाधार में जाने के बाद आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, उसके अंदर आपको एनरोलमेंट पर क्लिक करना है। एनरोलमेंट में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने जनाधार के सारे ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। फिर आपको नीचे नीचे फैमिली इनकम अपडेट ये लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको रसीद संख्या पेस्ट करनी है और खोजे पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑथेंटिकेशन लेना होगा, तो जो जो भी 18 साल से ऊपर है उसकी आप ऑथेंटिकेशन ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर फिंगर लगा के ले लेता हूँ, आप आईरिस या OTP किसी की मदद से भी ले सकते हो। इसके बाद आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि आपको कैसे इसमें फैमिली इनकम अपडेट करनी है। तो जितने भी मेंबर है जिसमें जिस जिसकी इनकम है वही आपको फिल करना है, ये आपको ध्यान रखना है खास तौर पे। तो इसमें सबकी मैं जीरो कर रहा हूँ, जो भी आपके पास जिसकी भी इनकम सर्टिफिकेट हो आप सिर्फ उसका ही करिए, वरना ये जो जनाधार है वो आगे न तो अपडेट हो पाएगा कभी भी, अगर आप अपडेट भी करवाना चाहोगे तो अपडेट भी नहीं होगा और ना ही ये कहीं आगे काम में आएगा आपके। तो आपको सब में जीरो लिखना है, यहाँ पे एक भी नहीं लिखना है या न 00 लिखना है, सिर्फ 10 लिखना है इसके अंदर। उसके बाद आपको इसमें जो इनकम है हमारी, वो सर्टिफिकेट जो भी आपने PDF स्कैन करवाया होगा वो आपको इसमें स्कैन करके अपलोड करवा देना है। तो मैंने पहले से स्कैन करवा दिया है, तो मैं इसको अपलोड करवा देता हूँ। अगर आपके पास ये फॉर्मेट नहीं है तो इसमें आय घोषणा पत्र ये दिया हुआ है, इसके अंदर आप इससे इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मैं इसमें देख लेता हूँ कि आपको कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो ये ओपन हो रहा है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपको इसको प्रिंट करके इस फॉर्म को पूरा फिलअप करके इसमें दो गेजेटेड ऑफिसर के साइन करवाने हैं, उसके बाद साइन करवा के इसको ऐसे ही अपलोड करवा देना है। तो मैंने पहले से इसको स्कैन करके अपलोड करवा दिया है, तो मैं इस पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने न्यू विंडो आ जाएगी, जिसके अंदर लिखा होगा कि भाई आपकी इनकम अपडेट हो गई है। और अगर आपके EKYC अब नहीं की है तो EKYC कैसे करनी, वो भी हमने वीडियो डाल दिया है, तो आप चाहिए चैनल पर जाके उसको देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।